हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन ग्रुप पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो भी है जीएनएम थर्ड राउंड काउंसलिंग के अपडेट के बारे में बात करेंगे और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनको पिकअप करेंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे तो उनको यहाँ पर उठाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो भी है थर्ड राउंड होगा कि नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम आपको बता दें आपके थर्ड राउंड के लिए अभी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर सीट वैकेंट होती तो आपका थर्ड राउंड होने की पूरी संभावना थी, लेकिन आपकी थर्ड राउंड होने की बहुत ही कम चांस है, यानी कहने का मतलब ये थर्ड राउंड नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके जितने भी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए हैं उन सभी कमेंट्स को यहाँ पर पिकअप करेंगे। जिन जिन विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं उनके कमेंटों को यहाँ पर रिप्लाई देंगे। तो सबसे पहला जो कमेंट है वो आया है नीतीश की तरफ से, कमेंट है नीतीश ने कमेंट किया, सर मेरा बीपीएल कार्ड नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, एससी से हूँ फीमेल। तो एससी से अगर कोई भी फीमेल या मेल है तो उनके लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, चाहे आपका बीपीएल कार्ड नहीं बना हो। नेक्स्ट अगर बात करें कमेंट की तो वो कमेंट आया अनीता जाखेर का कमेंट आया, सर मेरी 75,000 लगी है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि मेरी 75,000 फीस ली है, अब मुझे स्कॉलरशिप में 75,000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो आपको स्कॉलरशिप में 75,000 नहीं मिलेंगे, आपको स्कॉलरशिप में मिलेंगे ओनली फॉर 60,000 रुपये, जितने की उन्होंने रसीद बनाई होगी वो रसीद के रूप में आपको दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है उन्होंने आपके लिए जो रसीद बनाई होगी वो बनाई होगी 60,000 की, तो 60,000 ही आपके वापस मिल जाएंगे। जितने की उन लोगों ने रसीद बनाई है वो रसीद के रूप में ही आपके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कमेंट है राहुल कुमार का, तो अभी जिनके एडमिशन हुए उनके स्कॉलरशिप की फॉर्म की अगर बात करें तो वो आएंगे अगस्त में, ठीक है ना, अगस्त लास्ट वीक में फॉर्म आएंगे आपके स्कॉलरशिप की। नेक्स्ट अगर बात करें सेकेंड थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड है तो थर्ड काउंसलिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है ना, थर्ड काउंसलिंग के लिए मना कर दिया हमने, नहीं होगी, कम ही चांस है जहाँ तक नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड काउंसलिंग से ज़्यादा आए कमेंट, आंसू पटवा का कमेंट है थर्ड काउंसलिंग से रिलेटेड तो थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है ना। कीर्ति मेहरा का कमेंट है सेकंड काउंसलिंग का अपवर्ड मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। देखो सेकंड काउंसलिंग का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, आपका फर्स्ट काउंसलिंग का अपवर्ड मूवमेंट होगा। जिन भी विद्यार्थियों ने चेंज करवानी थी उनकी कॉलेज चेंज हो गई थी, वॉइस आवाज़ आ रही होगी आपके पास में सही तरीके से। नेक्स्ट अगर बात करें जगदीश भगत का कमेंट आया, सर स्कॉलरशिप फॉर्म भरे 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आई। देखो स्कॉलरशिप की फॉर्म आपका बजट में आती है, जैसे एससी की कैटेगरी की अगर बात करें तो उनका 60% सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है और स्टेट गवर्नमेंट डालती है 40%, तो उस प्रकार आता है तो आपका आ जाएगा, ठीक है ना, स्कॉलरशिप आ जाएगी आपकी अगस्त सितंबर तक आ जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें राधे कृष्णा का कमेंट आया, स्कॉलरशिप फॉर्म अब कब से स्टार्ट होंगे, तो अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे, हमने आपको बोल दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें उमाराम का कमेंट है थर्ड काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, तो थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी आपकी, थर्ड काउंसलिंग होने के बहुत ही कम चांस है, यानी कहने का मतलब है थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं गांधव वीर का कमेंट आया, मैंने जीएनएम में 60,000 भरी है, स्कॉलरशिप के रूप में 50,000 ही ओके हुए, 10,000 आया क्या। तो आपने पहले 50,000 का लगाया होगा, ठीक है ना, 50,000 की रसीद लगाई होगी, अगर आप 60,000 की रसीद लगाते तो 60,000 आपके रिफंड आ जाते, ठीक है ना। आप ट्राई करना कि 10,000 की रसीद और लगा दो, 10,000 की रसीद लगाने के बाद में आपके जो पैसे हैं वो रिफंड आ जाएंगे। बाकी नेक्स्ट कमेंट आया है गीता का कमेंट आया है कि सर जीएनएम की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। तो देखो आपकी रिपोर्टिंग की लास्ट डेट की अगर बात करें तो 24 तारीख थी लास्ट डेट, ठीक है ना, 24 तारीख थी लास्ट डेट। तो अब आपको जो भी है रिपोर्टिंग हो गई, रिपोर्टिंग होने के बाद में आपकी 26, आज स्कूल भी खुल गए और कॉलेज भी जिनकी छुट्टी थी वो भी खुल गए, तो आपकी 26-27 मतलब कल से स्टार्ट कर दी जाएगी कंटिन्यू रेगुलर क्लासेज। नेक्स्ट अगर बात करें नाम नहीं दे रखा है यूज़र आई कुछ ऐसे नाम है, टीसी नहीं है, किस यूनिवर्सिटी से सबमिट हो जाएगी आप, हाँ तो आपने करवा ली हुई रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन है। और बाकी ऐसा कोई भी अगर नए फॉरम की अगर बात करें तो जो आपके नए फॉरम है वो आएंगे आपके अगस्त सितंबर में, हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना, उस वीडियो पर आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, 4,500 समथिंग व्यू पहुँच गए उस पर, तो उस पर भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है आपका। तो अगर बात करें आपके नए फॉरम की तो नए फॉरम आपके अगस्त सितंबर में आ जाएंगे, ठीक है ना, तो उसका भी हमने आपको बता दिया है क्या प्रोसेस रहेगा, किस प्रकार प्रोसेस रहेगा। और बात करें आपके जो भी है थर्ड राउंड, ठीक है ना, तो थर्ड राउंड होगा नहीं और अपवर्ड मूवमेंट होगा नहीं। और भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो आपकी, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी रही बात फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्लासेज चालू करो, तो क्लासेज आपकी हम करेंगे, रेगुलर करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स वगैरह। और काफ़ी बोल रहे थे कि सर आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है क्या, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें 6,500 के समथिंग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, उसमें से आप जैसे आप चाहो वैसे आप नोट्स वगैरह ले सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो अपनी, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर बात करें तो काफ़ी बोल रहे थे कि सर हमारा जो भी है स्कॉलरशिप का कैसे रहता है, जैसे कि मान के चलो अब आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे आगे उसमें क्या सलूक रहता है कि फॉर्म भरने के तुरंत बाद स्कॉलरशिप आती है कि नहीं आती है। तो अगर बात की जाए आपकी, देखो स्कॉलरशिप में क्या होता है आपका, अब सिस्टम कर दिया है जैसे आपका कोई भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, कोई भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे, जब आप कॉलेज जाओगे ना तो कॉलेज में आपको फिंगरप्रिंट होती है एक बायोमेट्रिक, वो बायोमेट्रिक हर महीने बायोमेट्रिक लगवानी होती है। कहने का मतलब ये है कि आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाकर के आपको बायोमेट्रिक लगवानी होगी। जब आप बायोमेट्रिक लगवाओगे ना एक महीने में एक बायोमेट्रिक होना कंपलसरी है। जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी जब तक आपको बायोमेट्रिक लगवाते रहना है। मान के चलो आपकी स्कॉलरशिप 2 महीने या 3 महीने पेंडिंग में रह रही है तो 2-3 महीने पेंडिंग में रह रही है तो 2 महीने ही आपको इस वो लगवानी होगी बायोमेट्रिक। जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं लगवाओगे आपका ऑब्जेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बायोमेट्रिक आप लगवा लेना, बाकी स्कॉलरशिप तो सबको मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो भी प्रोसेस होता है अगर कर दिया होगा आपने तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी इजीली, डोंट वरी रहो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्कॉलरशिप आपको जो है वो आएगी, ठीक है ना, क्लासेज आपकी रेगुलर रहेंगी। और अब जो नए फॉर्म आएंगे ना उनमें आपकी जो सीटें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, कुछ सीटें बढ़ा दी गई हैं, कुछ कॉलेजों में इंक्रीज़ कर दी गई हैं सीटें और कुछ कॉलेज भी इंक्रीज़ कर दी गई हैं। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको जो आपके नए फॉर्म आएंगे 2023-24 की उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, उनमें भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको अच्छी सी हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है। तो देखो मोस्टली मिल गई है कॉलेज, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज मिल गए हैं। जिन बच्चों की अगर अच्छी नंबर थी, अच्छी परसेंटाइल था, उनको प्राइवेट कॉलेज सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। और जिनकी थोड़ी कम परसेंटाइल थी, मान के चलो 80 के समथिंग थी, 75 थी, तो उनको यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया है। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सभी विद्यार्थियों को जहाँ तक मिल गया है। अब की अगर बात करें तो 2000 की समथिंग, हाँ 1800 प्लस जो कॉलेजेज हैं वो सभी स्टूडेंट्स को मिली हैं, मतलब सीटें अलॉट हुई हैं 1800-1500 की समथिंग हुई हैं, 1535 अलॉट हुई हैं प्राइवेट कॉलेज वालों को और कुछ 250 की समथिंग हुई हैं जो हुई हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज वालों को हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से है, और भी कोई अगर नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी जानकारी होगी तो हम आपको बता देंगे। बाकी आप हमारे साथ बने रहो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और पहुँचता रहे भविष्य में। बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।